मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई गाली। मुझे जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप देखिए, ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, झूठ के पैर नहीं होते, ये झूठ अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं। जैसे जैसे मदारी के कंधे सर, इसको देख लीजिए। माननीय 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 सभापति जी, झूठ सब के बजाय आप असत्य कहें। झूठ असल सदी है, उसको हम कार्रवाई का हिस्सा बनाएं, असत्य कहें। माननीय सभापति जी, आई हैव गिवन रूलिंग मिस्टर वेणुगोपाल जी। माननीय सभापति, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते, और ये असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है, जिसे वो रोज यहाँ पसंद परोसते हैं ये बजट पर, सदन पर। माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? टूजी स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कैंडी एड्रेस तो देखिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सर। ये लीडर कांडी लिसन मी। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा इसको मैं एक्सपेंज करता हूँ। मैं अनपार्लियामेंट्री, मैं उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको एक्सपेंज कर दिया। झूठ कहा था उन्होंने, मैंने एक्सपेंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब ससंदी है, ठीक है, असत्य निराधार। जी सर जी, उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है।
सेना की बात करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आप सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए। सर, उन्होंने इंसल्ट किया मुझे। उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए। प्लीज आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस चीज़ का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। अच्छा, एक मिनट बैठ जाए। अब बैठ जाए सर। मैं क्लैरिटी कर दूं सर। मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए आप। मैंने बैठ जाए आप। सब लोग बैठ जाए। अच्छा, आप सब लोग बैठिए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन? इज इट फेयर? फिर मैं उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं। पहले लोग बैठ जाएं। पहले बैठाइए सर। सब लोग बैठ जाएं। पहले सब लोग बैठ जाएं तब मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाएं, मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे? मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाएं। हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाएं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए। सर मैं आपको अलाउ, बोलने दीजिए सर। ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ। राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी। हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया श्री अनुराग ठाकुर जी। सर मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी। हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? अब फिर बोलना चाहते हैं आप? खड़े हो जाइए, अब फिर बोलना चाहते हैं। खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो। आप लोग जाइए बिल से बात। एलओपी प्लीज, एलओपी आई एम गिविंग। तो आप बिल से तो जाइए। सर स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूँ तो आप बेल खाली कर दीजिए। इतनी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया। अभी अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी, मैं प्लीज बोल दी। मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बोलिए। राहुल स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं, सर माइक यहाँ से नहीं जाती। सर जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है,
जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी आप तो हमें समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी, ये तय कर ली मुझे जब जब आप चाह रहे हैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई करूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंड करूंगा। आप भी कर रहे सुन रहा हूँ माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना सभापति महोदय स्वागत है। क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठ नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी मैंने उसको स्पंद कर दिया, श्री अनुराग ठाकुर जी माननीय सभापति जी उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है, आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं। आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं इतने कहूंगा और समाप्त करें, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर मेरे एक मिनट, सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, सर मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर।